अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुभानल्लाह व बिहम्दिही सुभानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आज 15 जनवरी 2023 और संडे का दिन है। हल्की हल्की बूंदाबांदी फ्रैंकफर्ट जर्मनी में जारी, और फजर की नमाज के बाद जो आबो हवा या मौसम, वो इंसानी सेहत के लिए सबसे ज़्यादा बेहतर। वजह उसकी कि रात के वक्त जो अखराज होता है गैसों का या ज़िंदगी की धक्कमपेल का, वो सबसे कम होता है, जिसकी वजह से जो साफ़ सुथरी ऑक्सीजन है वो इंसान को मैसर होती है। मैं हसबे मामूल आज फिर आपको फ्रैंकफर्ट का वो किनारा, जो यहाँ की इंतज़ामिया ने पक्की सड़क बनाकर मुहैया किया हुआ है, ताकि जो लोग वॉक करना चाहते हैं, सैर करना चाहते हैं, अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहते हैं, वो इससे फ़ायदा उठाते हुए निकला करें। हर इंसान जानता है, अब तो हम पढ़ पढ़ के देख देख के क्या कहते हैं कि फुल हो गए हैं कि वॉक के लिए निकलना चाहिए, ये सेहत के लिए बड़ा ज़रूरी है, इतने घंटे वर्जिश के लिए जाना चाहिए। लेकिन इंसान इतना बेहिस हो चुका है कि अब उसको ये सोशल मीडिया या हैंडी या लैपटॉप, इसके अंदर अपनी ज़िंदगी तबाह कर देने में ज़्यादा फोकियत नज़र आती है। बस मासवाइज़ इसके कि वो पुरानी जो सेहत की जो एक रीत होती थी कि लोग गेमों में हिस्सा लेते थे, बात के तौर पर ख़ास तौर पे हमारे जो एशियन लोग हैं, अभी स्टार्ट में आपने देखा कितनी खामोशी थी, बिल्कुल ये परिंदे जो खुदा ताला की मखलूक सुबह सुबह हमद के गीत गाते हुए या अपनी खुराक के लिए निकले हुए हैं, साइडों पे आप देख सकते हैं। बात मैंने जो करनी थी आज वो ये कि मौत जो है वो आज का इंसान जो है उसने उसको इस तरह इजी ले लिया है, एक हकीकत समझ के अब उसको कोई किसी किस्म डर खौफ नहीं है। आपको याद होगा कि 2020 में जब खबरें लीक होना शुरू हुई थी चाइना से कि वहाँ एक बीमारी फैली है जिसकी वजह से लोग जो हैं वो सांस की वजह ना आने की वजह से और मुख्तलिफ और निशानियों के साथ मर रहे हैं, फिर उसके बाद पता चला जी वो वहाँ पे, क्योंकि वो ये जो परिंदे, ये जो सांप खाते हैं, ये चमगादड़ खाते हैं, ये कोई इस तरह उनकी किसी ऐसी मार्केट से ये बीमारी निकली है, कोरोना का नाम दिया गया उसको, कोविड का नाम दिया गया। और हम जो लोग यहाँ महफूज ममालिक में यूरोप में बैठे थे, जब वो खबरें पढ़ते थे तो बड़ा हैरान होते थे कि ये चाइना ने, देखो इसको अल्लाह ताला की तरफ से पकड़ आई है, ये मतलब ये खुदा को नहीं मानते, जुल्म करते हैं मुसलमानों पे, वहाँ इन्होंने सेंटर बनाए हुए हैं, ये अल्लाह ताला की तरफ से पकड़ है। और फिर ये बीमारी कोविड जो है ये बढ़ते बढ़ते ये पूरी दुनिया में बड़ी तेज़ी से फैला। और फिर आपको सारी सिचुएशन का पता है कि जब एक खबर आती थी कि फलां बंदे को अपना करीबी या अजीज़ या कोई जानने वाले कुछ कोविड हो गया, फिर उसकी ये हालत हुई, उसको ये अलामत हुई, फिर अगर कोई बंदा दुनिया से चला जाता था तो एक दहशत का आलम था। जो इंसान सुनता था कि उसके आसपास या फैमिली में कोई कोविड से हलाकत हो गई है तो बड़ा परेशान, बड़ा उसकी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में और चहमगोइयाँ होती थी कि अल्लाह मियाँ बचाए इसे। करोड़ों इंसान दुनिया में कोविड बीमारी या ये जिसको कोरोना कहते हैं उसकी वजह से मर गए। और फिर ये हुआ कि वैक्सीन आई जी, अब वैक्सीन पे उस पर फिर बड़ी मुखालफत हुई कि ये DNA चेंज हो रहा है, इसके साथ ये हो जाएगा, बहरहाल ये भी वक्त गुजर गया। फिर ये है कि जो जो सख्तियाँ थी या इंसान के अंदर जो दहशत पैदा फैला दी गई थी
कि अगर इंसान ने ये टीका ना लगवाई, ये वैक्सीन ना लगवाई, तो उसको जहाज पे नहीं, उसको यहाँ नहीं, काम पे नहीं। सारा वक्त गुजरता चला गया। लेकिन आज की जो ताज़ा खबर है, जो मैं अभी पढ़ी बीबीसी पे, तो रोंगटे खड़े हो गए। ये खबर सुन के शायद वो 2020 वाला जो जेन के अंदर एक तस्वर कायम होता है, जो इंसान के ऊपर एकदम शौक लगता है, वो शायद ये ना लगे। यानी एक महीने के अंदर 60,000 बंदे जो हैं वो चाइना में कोविड या कोरोना की वजह से मर गए हैं। 12 दिसंबर से लेके मतलब 8 जनवरी तक की उसने रिपोर्ट दी है कि चाइना वाले वो हैं जो अपनी खबरों को, इस तरह की जो बातों को वो दुनिया से छुपाते हैं। क्यों छुपाते हैं? कि लोग जो हैं वो दुनिया में मनफी प्रोपेगेंडा से इनके कारोबारों पे, इनसी जो एक्सपोर्ट होती है उस पर फ़र्क ना पड़े वो। लेकिन आज उन्होंने जो उन्होंने फिगर दी है चाइना वालों ने, वो ये दी है कि 60,000 लोग जो हैं एक महीने में तकरीबन कोरोना से मर गए हैं। वहाँ उन्होंने कुछ पाबंदियाँ कम की थी, लोगों ने एहतजाज किए थे वहाँ बड़े सख्त किस्म के, कि बहुत सख्त पाबंदियाँ हैं। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि यही बीमारी चाइना से फैली थी, फिर उसके बाद क्या 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 पाबंदियाँ लगीं, फिर क्या क्या लोगों के साथ बीता, और अब 60,000 बंदा एक महीने में अगर कोरोना से वहाँ गया, और वहाँ से मुख्तलिफ ममालक को आने वाली फ़्लाइट्स पे दोबारा वही पाबंदियाँ जो हैं वो लगाई गई हैं कि कोरोना टेस्ट के बगैर मुल्क में एंटर नहीं हो सकते। अल्लाह ताला इंसानियत को बचाए। यूरोप के अंदर आपको पता है अक्सर बच्चे जो पहले नहीं मुतासर होते थे वो भी मुतासर हो रहे हैं, और ये ऐसा है कि अलामात सारी वही हैं लेकिन कोविड का टेस्ट जो है वो पॉजिटिव नहीं आता, कोरोना नज़र नहीं आता। बच्चों के सांस बंद हो रहे, बच्चे उसी तरह जिस जो कहते हैं फ्लू हो गया है, फिर ऐसा ऐसा सांस फेफड़ा, फिर कहीं वफातें हुई हैं हमारे सामने। बच्चे मतलब जो 2-3 दिन में डॉक्टर कहते थे कोई नहीं नॉर्मल है बिल्कुल, आपको ठीक हो जाएगी, तो ये कोई दवाई असर नहीं कर रही बेशुमार। लेकिन अब इंसान जैसे यूज्ड तो नहीं हो जाता। आपको पता है कि पुरानी बीमारियां जैसे आई थी दुनिया में, मलेरिया था, फिर चीचक की बीमारी फैली, फिर उस वक्त भी शुरू में एक दहशत, और फिर उसके बाद लोगों ने उसको अपना मुकद्दर समझ के एक्सेप्ट कर लिया। इस तरह की जो बातें हैं, इंसान उनसे बचाव का क्या तरीका अख्तियार कर सकता, कैसे बच सकता, कभी गौर किए करें। खुदा ने जब इंसान को ज़िंदगी दी तो कुरान में आता है कि मकसद ज़िंदगी का रखा अल्लाह ताला की इबादत करना। अल्लाह ताला की इबादत, खुदा को नहीं उसकी ज़रूरत, लेकिन इंसान को उसकी ज़रूरत है कि वो दर्जा ब दर्जा अपने मियारों में तरक्की करे, अच्छाइयों की तरफ चले। इबादत का मकसद जो है अल्लाह ने ये रखा इंसान की बेहतरी के लिए। अब नमाज़ें हैं मुसलमानों के लिए, हर मज़हब में अपना अपना अंदाज है इबादत का। ये नमाज़ें जो हैं उसके मुतालिक इंसान, बेशुमार इंसान हैं ऐसे जिनको बिल्कुल कोई कतन दिलचस्पी नहीं, बिल्कुल उनके लिए नमाज़ें बेमानी हैं, कोई वक़्त नहीं रखती। किसी प्रोफेसर ने, किसी टीचर ने स्कूल में मासूम बच्चों से पूछा कि भाई कोई बच्चा सवाल का जवाब देगा कि आपके नज़दीक कौन लोग हैं, वो कौन हैं जो नमाज़ें नहीं पढ़ते, तो वो जो है अपना वाह नहीं जी। सुबह सुबह के नज़ारों में ये भी एक मंज़र होता है, लोग संडे वाले दिन बाकी जो अक्सरियत रेस्ट कर रही है वो भी। जब उसने पूछा कि कौन से लोग हैं बच्चों आप बताओ जो नमाज़ें नहीं पढ़ते, तो मासूम बच्चों ने जवाब दिया, पहला बोला मेरे ख्याल में वो लोग नमाज नहीं पढ़ते जो मुर्दा है, जो मर चुके हैं, कब्रों में पड़े हैं। दूसरे ने कहा मेरे ख्याल में वो लोग नमाज नहीं पढ़ते, अपनी अपनी सोच के मुताबिक सादा और सिंपल, जो मुसलमान नहीं है वो नमाज नहीं पढ़ते, लॉजिक सी बात है। और फिर तीसरे ने कहा कि मेरे ख्याल में वो लोग नमाज नहीं पढ़ते जो काफ़र हैं। अब वो जैसे जैसे बच्चों की सोच में आया, आपको पता है काफ़र जो इनकार करते हैं अंबिया का, अल्लाह ताला का,
तो इस तरह 3-4 बच्चों ने अपनी सेंस के मुताबिक ये ख्याल बताया कि भी हमारे ख्याल में वो फलां फलां कैटेगरी के जो लोग हैं वो नमाज नहीं पढ़ते। एक ने कहा कि जो लोग अल्लाह ताला की ज़ात पे यकीन नहीं रखते, वो मानते नहीं हैं, दहरिया हैं, वो भी नमाज नहीं पढ़ते। तो वो जो टीचर थे उनके इस इन बच्चों के इन सादा जवाबों पे इतना असर उनके पे हुआ कि अगर वो कभी नमाज छोड़ते तो उनका मुझे इस बात ने पक्का नमाजी बना दिया। जब मैंने जायज़ा लिया कि क्या मैं मर चुका हूँ, मैं तो जिंदा हूँ, फिर उसके बाद क्या मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं तो अल्लाह के फजल से मुसलमान हूँ, दावा है मेरा, फिर मैं काफिर भी नहीं हूँ, मैं नबी पाक सल्लम की रिसालत पे, खुदा वाद यगाना पे यकीन रखता हूँ, फिर मैं खुदा ताला की ज़ात पे यकीन नहीं रखता, मैं उस पर भी रखता हूँ, खुदा से दुआ मांगता हूँ, उम्मीद रखता हूँ कि अल्लाह ताला। ये सारी चीज़ें जब गौर करने के बाद उन्होंने कहा कि ये बच्चों के इन सादा जवाबों ने मेरी आंखें खोल दी। अब बात यह है कि ऐसी बातें जो मासूम बच्चे बता रहे या जवाब दे रहे, ये सिर्फ उन लोगों की आंखें खोल सकती हैं जिनके अंदर थोड़ा बहुत अभी इस्लाम दीन या इस्लाम बाकी है, खुदा का खौफ बाकी है। कुरान में जो अल्लाह ने फरमा दिया कि इंसान की ज़िंदगी का मकसद जो है वो इबादत है, उसका थोड़ा बहुत क्या पास करना अभी बाकी है या उसकी कदर दिल में बाकी है। अदरवाइज़ इस दुनिया के अंदर भागम भाग माल के पीछे, दौलत के पीछे, शोहरत के पीछे, ताकत के पीछे, ये तो दुनिया रूटीन में चल रही है। आज की पढ़ रहा था मैं, खबर किसी ने लगाई थी कि फ़लस्तीन में कोई एहतजाज कर रहे हैं एम्बेसी के सामने, अमेरिकन एम्बेसी या किस मुल्क, तो वहाँ एक वीडियो में एक जो इसराइली फौजी एक बच्चे को पकड़ के नीचे, तो उसका गला दबा रहा है और वो आगे से जो कलमा पढ़ रहा है और अरबी ज़बान में कोई बात कर रहा है, तो वो भेजने वाले ने लिखा कि इसको पूरे सोशल मीडिया से हटाया जा रहा है, जब भी कोई अपलोड करता है आपको इतना शेयर करें कि हर कोई इसको देखे। तो मैंने देख के उसको कमेंट, मैंने कहा आज का इंसान तो इतना बेहिस हो चुका है, जब तक उसके अपने घर में आग नहीं लगती उसको पता ही नहीं चलता कि सारी दुनिया जल रही है, तो ये वीडियो के साथ किसी पर क्या असर होगा। अब तो लोग सिर्फ ये सोशल मीडिया के ज़रिए खेल तमाशा दुनिया का यही देखना चाहते हैं। बहरहाल जी, आज का व्लॉग ये बारिश के अंदर देख सकते हैं आप, थोड़ा थोड़ा किसी के यहाँ पे टमाटर भी गिर गए हैं लगता है ख़रीदारी के बाहर, तो बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम।